यहाँ पे ये मिस्त्री ओलिवर, यहाँ पे टाइल्स लग रहा था बाथरूम में, तो ऊपर जो काम चल रहा था वहाँ पे ही तो मैं गई थी ऐसे देखने। पार्किंग एरिया थोड़ी काम पर, रोलर शेडी भी मैं कल सफाई की थी पूरा पूरा, ये सब अभी भी यहाँ पे वाइट वाइट है सब, अभी जमा भी दो बार धुला जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी ये काम चल ही रहा है, यहाँ सीमेंट पुट्टी वगैरह है ही, ऊपर टाइल्स लग रही है, देख के आती हूँ। तो यहाँ पे सारे मिस्त्री अपने, लेबर मिस्त्री जितने सब थे सब अपने अपने काम में, देखिए मैं दिखा रही हूँ, सब लोग अपने काम में, इधर पुट्टी वाले भैया उधर टाइल्स लगा रहे हैं, इधर बालकनी में भी टाइल्स लग रहा है वो दूसरे, तो ऐसे ही काम से इसपे ताज नहीं लग पाएगा ना भैया, पुट्टी इनसे कह रहे हैं इसपे ताज नहीं लगेगा। हाँ क्योंकि पत्थर बैठ रहा था। हाँ आप तो कल से बांध लीजिए, रहेगा कल करेगा। सारा चीज काम में फैला हुआ घर में, छोड़ दे अभी गर्म था पानी। दीदी लोग आ रही होंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस समय अभी सुबह के बजे हैं 10:11 सुबह के नहीं बजे, तो यहाँ मैं चल रही हूँ अपने काम करने, और अब स्टार्टिंग होगी सफाई, दीपावली की सफाई जरूरी है करना। अभी देखिए कपड़े कैसे चेयर पे गजे हैं, रूम में गजे, इस तरीके से पूरा रूम हुआ है फैला, और सारे सही करने हैं। तो देखते हैं क्या हुआ, ले आए क्या मिर्चा नहीं है, चार पाँच है। चलिए तो पिछले बार का हो गया ना, तू ले ही आएंगे यार। हाँ तो मम्मी हम कल से थोड़ा सा डाल तो अभी पीसते हैं तुरंत। हाँ अगर मुस्का दे लो बस 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 बस, हमको यार रखे की जगह दिया ना रह जाए, उधर वो जगह नहीं पड़े, इधर है जगह, खनवा रखे तब को जगह ना रहे। एक ही मर्चा खूब तीखा तीखा मांग रहा है, ये थलिया भी ले लियो हम सब, नहीं अब ये बैग मत लीजिएगा, हमको पहले वो तो लेना है, तो ये वो तो उठे लेना है, इसे मेरे तो दीपावली पहन में दे दे। हम ये थलिया खाई ना चला दे, कछु चाहे थलिया चाहे जो हेलो करके ले तो ना बच्चे। हां इसको इसे मतलब लगे रहने दीजिए, बिछा नहीं जा कोई दिक्कत नहीं है उससे, अभी चलते हैं पहले करते हैं सफाई आंदोलन, पहले चादर सारा समेट कंबल सब समेट लूं हटा लूं सारा काम, तब उसके बाद में। आज आप लोग देखिए कि मुझसे मेरी सासुमा से बहस हो रही थी, किस लिए क्या धनतेरस में खरीदाएगा किस चीज़ के लिए, तो लेके इसीलिए तो बहस हो गई सासुमा से। देखिए
सास माँ बोल रही थी थाली लेंगे और मैं भूसा बनाने वाला तवा लूंगी, तो फटाफट मैंने सारे कपड़े अलमारी के जितने थे सब हटा के चेयर पर से फैले हुए थे सब फोल्ड करके हटा रही थी सारा, क्योंकि अब धीरे धीरे सारी सफाई करना है और सफाई नहीं होगा तो फिर टाइम तो एकदम नज़ाक हो गया 27। तो इस अकॉर्डिंग मुझे फटाफट कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो जरूर। तो अभी जस्ट मैं ब्लॉग बना ही रही, ब्लॉग बनाने के बाद मैं थोड़ा सा खाली हुई तो मैं सोची चलो आप लोग से बात कर लेती हूँ। तो हमारे यहाँ काम जो लगा है, हमारे यहाँ काम लगा कल, वही भैया लोग से पूछ रहे थे क्या क्या होगा, वही सफाई तो उसी सब चीज़ का था। ब्लॉगिंग मेरा स्टार्ट में बोलती हूँ ना, जब मैं काम करती रहती हूँ उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो मोबाइल एक साथ ही स्टार्ट करती रहती हूँ। आवाज़ भी आप लोग को आ ही रही होगी, मशीन चला वो क्या पत्थर काट के जो मोड़ने वाला काम होता है वही चीज़ हो रहा है, तो इसे मोड़ने का काम हो रहा है, इसीलिए वॉइस बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं हमेशा म्यूट करके इधर बीच काफ़ी दिनों से मैं बोल बोल के भी नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं अभी ये सब सोच रही हूँ, अभी ये सब क्या थोड़ा सा मुझे अंधेरा है यहाँ पे, मेरे रूम में अंधेरा लगता है, बट मैं अब सोच रही हूँ ऊपर वाले रूम में एक आगे अपना रूम रखूँगी जो अपना अपने लिए, उसी में वीडियो अपना शूट करूँगी, तो आप लोग को एकदम साम फाइनली एकदम चेहरे जो प्लेन आते हैं वो चीज़ दिखाई देंगे। तो अभी तो फिलहाल चले, अभी तो आपको लग रहा है दीपावली बाद ही ऐसा हो सकता है, इसके पहले नहीं, क्योंकि अभी तो काम कंटिन्यू चल रहा है, पुट्टी वाला टाइल्स वाला बिजली वाला काम सारे काम करीब करीब हो गए हैं। अब दीपावली आ रही है, दुख धक धक मेरा जीना कर रहा है क्योंकि सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि रोज़ का रोज़ कूड़ा हो रहा है, तो मैं सफाई करके करूँगी क्या, काम वैसे ही फैला रहेगा। तो यही सब था। तो कल मैं अपने दांत को दिखाने गई थी आप लोग के साथ, ब्लॉग शेयर किए हैं तो आप लोग देखे कि नहीं, सच में मुझे बहुत राहत मिली। आज मैं पेन किलर भी नहीं खाई हूँ, नहीं तो डेली पेन किलर मैं खा रही थी। सफाई करके अभी उरू भर हैं, कल मुझे फिर जाना, RCT स्टार्ट हुई है, RCT हो जाएगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कैप नहीं बैठा हूँ, क्योंकि ये वाला जो दूसरा कैप में बैठा हूँ ना, इससे मुझे लगता है कि बैठा है तो 2-3 साल हो गए, बट मुझे लग रहा है जैसे सेक्स नहीं है, जो भी है मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मैं पहले देखती हूँ एक बार मसाला का होता है ना जो भरवाने वाला, वो चीज़ देख लेती हूँ करके, अगर वो सक्सेज हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर दोबारा कैप लगेगा ही, जो क्योंकि मेरे दाँत क्या हुए थे ना फूट गए थे, फूटने के कारण वो अंदर जैसे जो भी कुछ खाओ अंदर बैठ जाता है, नहीं देता तो धीरे धीरे होता है क्या जूठा सड़न पर नहीं इस वगैरह होता है ना, तो इसी कारण मुझे इसी प्रॉब्लम हुई, बट नहीं तो मेरे दांत सारे साफ थे। एक इधर का फूटा था इसका ही हाल, एक इधर फूटा उसका भी वही हाल। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मैंने थोड़ा सा मैंने इस साड़ी का लुक आप लोग को दिखाई, ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आप लोग को बताऊंगी कहाँ से मैं ली कैसे ली। तो आई होप आप लोग भी इसे शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, और मुझे लगा इसके सबसे बड़ी इस कपड़े की क्वालिटी है कि इस कपड़े में शाइनिंग बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे लगते हैं पहनने के बाद, लुक इतनी शाइनिंग है कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने बातें कर ली, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।